हेलो माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक हो गए। तो दोस्तों, आज मैं आप लोग को इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि अगर मान लीजिए आप सऊदी से किसी से भी वीजा कोई भी काम का आप मंगा रहे हो और उसको बीएफएफ सेंटर द्वारा आप उसको कराना चाहते हो, एजेंट के झंझट पर नहीं पड़ना चाहते हो, तो आज मैं इस वीडियो में बताऊँगा आपको कि बीएफएफ सेंटर में जब आप जा रहे हो तो क्या क्या आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी और क्या क्या आपको फाइल बनाना पड़ेगा, और साथ में मैं ये भी बताऊँगा कि आपको क्या खर्चा उसमें आएगा और क्या प्रोसेस है। सारा आल टोटल मैं आपको आके इस वीडियो में बताऊंगा सारा सब कुछ। और ये सब जानने के लिए आप अच्छी तरह से आप हमारी वीडियो को पूरा ध्यान से लास्ट तक जरूर से देखिएगा, इसकी थोड़ा भी मत कीजिएगा नहीं वरना आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। और साथ में मैं दूसरी बात आपको ये भी बताना चाहूँगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए विजिट करें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, और आगे इसी प्रकार का और भी न्यूज बनाने के लिए आप हमारे चैनल का जो बेल आइकन का ऑप्शन है उसको भी जरूर से प्रेस कर देना। तो चलिए आप बिना देरी किए मैं चलता हूँ सीधे अपने लैपी पे और वहाँ पे अच्छी तरह आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आ चुका हूँ अपने लैपी पे और आप बिना देरी किए मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या डॉक्यूमेंट है। तो सबसे पहले आपका कोई भी दोस्त या कोई भी रिलेशन पे अगर आपको वो वीजा भेजता है यहाँ पे और आप बीएसएफ सेंटर में जाके वो कंप्लीट कराते हैं, तो सबसे पहले आप जो भी वहाँ से जो वो भेजता है वीजा, तो उसका जो भी डॉक्यूमेंट जो भी पेपर भेजता है, अगर आप तीन लोग हो तो तीनों लोग आप लोग एक एक कॉपी निकाल के रख लीजिएगा रंगीन में साथ में, और सारा जितना पेपर भेजेगा वो निकाल के रख लीजिएगा साथ में। वो वहाँ से जो भेजा है उसका पासपोर्ट का आगे बैक और फ्रंट दोनों का आप रख लीजिएगा, स्कैन करा के फोटोकॉपी ले लीजिएगा, तीनों आदमी एक एक कॉपी ले लीजिएगा। उसके बाद आप अपना पासपोर्ट का कॉपी आगे पीछे का ले कर रख लीजिएगा और वाइट बैकग्राउंड में फ़ोटो रख लीजिएगा, और साथ में उसका जो बुला रहा जिसका आप तो पासपोर्ट ले लिए साथ में उसका हकामा आईडी जो है वो ले लीजिएगा, और तीनों आदमी एक एक आदमी बकायदे फोटोकॉपी करा के उसको रख लीजिएगा। फिर उसके बाद अगर आप मान लीजिए आप अपने वाइफ के साथ में ले जा रहे हैं रिलेटिव है तो आप अपना निकाहनामा ले लीजिएगा, खैर उसकी तो ज़रूरत अब नहीं पड़ रही है लेकिन फिर भी कई आपको बीएफएस सेंटर वाले मांग रहे हैं लोग बीबी, तो वो लेके रख लीजिएगा आप। और साथ में अगर आप मान लीजिए कई लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि पासपोर्ट में हमारे यानी उनके हस्बैंड के पासपोर्ट में वाइफ का नाम नहीं है लेकिन वाइफ के पासपोर्ट में हस्बैंड का नाम है, तो उसकी टेंशन आप छोड़ दीजिए, उसमें कोई मसला नहीं है, वो वैसे हो जाएगा चाहे हस्बैंड में वाइफ का नाम हो या ना हो या फिर वाइफ के पासपोर्ट में हस्बैंड का नाम हो या ना हो, वो कोई मतलब नहीं वो हो जाएगा। और साथ में मैं ये बता दूं अगर मान लीजिए आप निकाहनामा यानी मैरिज सर्टिफिकेट ले जा रहे हैं, कई लोग खासकर मुसलमान लोग कई जो होते हैं उनका सब कुछ उर्दू में होता है तो वो उर्दू के वजह से वहाँ से समझ नहीं पाते, वो हटा देते हैं, इसलिए आपको रिटर्न आने की जरूरत नहीं है। आप पहले जाने से पहले कहीं भी ऑफिस में चले जाइए, जैसे मैं इंडिया को बता दूँ इंडिया में कई ऑफिस है दिल्ली मुंबई लखनऊ में जो उर्दू का ट्रांसलेशन इंग्लिश में करता है, तो वो उर्दू का अगर इंडिया जाओ तो उर्दू का ट्रांसलेशन हिंदी में करवा के या इंग्लिश में करा के उसके बाद लेके जाइए, या फिर जो भी आपके लोकेशन में हो आप जिस कंट्री देख रहे हैं उस कंट्री में जो भी लोकेशन पर आपके नज़दीक हो वहाँ से आप करा के अपना चले जाइएगा। और मैं दूसरी बात बता दूँ कि अगर आप ये पासपोर्ट में अगर मान लीजिए आपका नाम कुछ छूट गया हो या फिर आपके वाइफ का नाम कुछ छूट गया हो, नाम के आगे दीजिए जो भी नाम टाइटल छूट गया हो या आप सरनेम छूट गया हो जो भी हो गया हो या आपके अब्बू का नेम, तो घबराने की जरूरत नहीं, आप वहाँ पे जाएंगे, वहाँ जाने से पहले आप यहाँ पे आपके आसपास में जो भी अच्छा वकील हो वहाँ से आप एफिडेविट बनवा लेते हैं, आप एफिडेविट बना लीजिए वो बड़े आराम से 100-200 लेकर एफिडेविट बना के आपको दे देगा, वो एफिडेविट बनवा के और ये सारी डॉक्यूमेंट्स लेके आप अलग अलग जो भी पर्सेंट है अगर 3% हो तो तीनों लोग अपना अलग अलग एक ही डॉक्यूमेंट ले लीजिए लेकिन अलग अलग तीनों लोग बनाइएगा, जैसे एक लोग यही डॉक्यूमेंट ले लेंगे फिर अगले जो हैं वो भी यही डॉक्यूमेंट ले लेंगे फिर उसके अगले जो हैं वो भी यही डॉक्यूमेंट ले लेंगे, तो तीन लोग अलग अलग डॉक्यूमेंट लेके आप चले जाएंगे, ये सारा डॉक्यूमेंट हो जाएगा। उसके बाद रहा सवाल आपका कि इसका फीस कितना लगता है, तो अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब भी ये फीस मैं बता दूँ तो अभी चल रहा है 14,000-15,000 रुपये के बीच में ले रहे हैं लोग पर परसेंट, तो आप अपना जोड़ लीजिएगा। और उसके बाद अगर आप हो सके कभी वीडियो लेस में देख रहे हो उस समय रेट बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, और ये सब हो गया डॉक्यूमेंट और भी इसका जो फीस लगता है ये सब हो गया। और मैं हिसाब में आपको ये भी बता दूँ कि अगर आप
वहाँ से कोरियर द्वारा मंगाते हैं तो आपको महंगा ज़्यादा पड़ जाएगा। अगर लोकेशन आपके नज़दीक में है तो आप कोरियर ना लेके, मैं सजेस्ट करूँगा आप जाके वहाँ से जरूर अपना अपने हाथ से लें उसको पासपोर्ट, कोरियर द्वारा ना लें, क्योंकि कोरियर द्वारा लेंगे तो आपका एक पासपोर्ट आएगा तो सही पड़ेगा आपको, लेकिन तीन रहेगा या चार आएगा तो पर पासपोर्ट पे डिलीवरी चार्ज लेते हैं, 1500 या 1000 रुपये लेते हैं लोग, तो आपको महंगा पड़ जाएगा। तो आप हाँ मैं यही कहूँगा कि आप डिलीवरी कोरियर से मत कराइए, आप खुद जिस दिन डेट हो उस दिन डेट पे आप जाके ले लीजिए, या फिर आपका कोई रिलेशन हो तो उसको भेज के मंगवा सकते हैं। तो ये सब आपको पहले बताना होगा, और पहले ये वो ऑनलाइन फॉर्म देते हैं आप उसको भरिएगा, तब भर के उसमें उसका नाम डालेंगे तो अगले बार जब आप उसको भेजेंगे तो वहाँ पे पता रहेगा कि यहाँ ये आदमी इनका रिलेशन है, रिलेटन में आता है और ये आदमी को हम दे सकते हैं उससे बैठ, वो उनको दे देगा तो वो सब वो आप बड़े आराम से आप आ जाएगा, आपका पैसा भी बचत होगा। तो दोस्तों आई होप आपको इस वीडियो में सारी बातें अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, अगर समझ में आया और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। तो दोस्तों अब मैं वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ, आगे वीडियो में कुछ बताने के लिए है नहीं, अब मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में और भी कोई नई जानकारी के साथ, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, टाटा बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सब्सक्राइब नाउ।